स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और इस वीडियो में हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं होडल रॉक की तरफ से आने वाला रॉक 96 एक मेटल सीड स्टोरेज डिवाइस का। सो इस वीडियो को एंड तक देखना भाइयों, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो एज़ यूजुअल लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक डिवाइस का गिव अवे भी है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। एंड गाइस, रूल्स बहुत ही सिंपल से हैं, आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट कर दीजिए, देन मैं आप में से किसी एक को जो है एज ए विनर पिक कर लूँगा रैंडम कमेंट पिक करके थ्रू। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप इस डिवाइस को जो है विन करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है, अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, इस डिवाइस की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर जिन लोगों ने अपना जो रिकवरी सीड है उसको ऐसे ही स्टोर करके रखा है, लाइक किसी पेपर वॉलेट पे, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेके क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर देते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, बेटर है कि आप एक अच्छा सा जो मेटल सीड स्टोरेज डिवाइस है वो खरीदो, और होडल रॉक उसी काम में आपके लिए आता है। एंड गाइस, इसकी मैं बात करूँ तो ये फायर रेजिस्टेंस है, बिकॉज इसमें एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड स्टील का यूज किया गया है। एंड लोड एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, मीन्स आप इसको कितनी भी ऊंची बिल्डिंग से फेंक दीजिए इसका कुछ भी नहीं होने वाला, एंड बहुत ही हैवी लोड आप इसके ऊपर दे सकते हैं फिर भी इसका कुछ नहीं होगा। एंड करोजन रेजिस्टेंस है, एंड BIP-39 जो निमोनिक सीड्स फ्रेज है उनको सपोर्ट करता है, एंड पेट प्रूफ वगैरह। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और रिव्यू में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है। सो गाइस, ये है रॉक 96 का सील्ड पैक बॉक्स जिसको अभी मैं ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है होडल रॉक और ऊपर है लोगो होडल रॉक का। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया है और इसमें देख सकते हो ये है यूज़र मैनुअल, जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी इसमें लिखा हुआ है, बट इतना हार्ड काम है नहीं इसको यूज करना, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। सो यहाँ पे ऊपर ये देख सकते हो यूज़र मैनुअल के बाद ये है आपका फर्स्ट प्लेट, जो कि कुछ इस टाइप का है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा हैवी है क्योंकि मेटल है, एंड पीछे कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें यहाँ पे लोगो आपको दिख जाएगा होडल रॉक का, तो काफ़ी अच्छा है ये। एंड यहाँ पे दूसरे और चीज़ों की हम बात करें बॉक्स में, तो मैं उन सब को भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और प्लेट है गाइस, जो कि कुछ सेम है यहाँ पे देख सकते हो, बट इसमें जो काउंटिंग है वो 13 से लेके 24 तक है। तो ये कुछ दोनों प्लेट इस टाइप की हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो ये है एक ऑटोमेटिक सेंटर पंचर, जो कि कुछ इस टाइप का आता है जिसकी हेल्प से आपको पंच करना होता है, एंड कुछ स्क्रूज हैं जिनकी हेल्प से आप इन दोनों प्लेट को जो है बाउंड कर सकते हो। सो यही कुछ आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज कैसे करना है। लेट्स एज्यूम दोस्तों कि आपके पास आपका जो 24 या फिर 12 वर्ल्ड का रिकवरी सीड फ्रेज है जिसको आप कहीं पे स्टोर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए ट्रस्ट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ और अकाउंट बनाते टाइम ये इसने मुझे दे दिए यूआर रिकवरी फ्रेज। तो इसमें देख सकते हो पहला जो वर्ल्ड है वो है एक्सरसाइज, सेकेंड है कैप्टन, थर्ड लॉयर लैंड, ऐसे करके ये 12 वर्ड्स हैं। तो इनको किस तरीके से यहाँ पे इस प्लेट में आप लोगों को डालना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काउंटिंग है इसमें 1 से लेके 12 तक, तो इन काउंटिंग में यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो 4 बॉक्स हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन अल्फाबेट्स के सामने आपको पंच करना है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों ये। सो यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ड था, जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज का जो पहला वर्ड है वो है ई, तो हमको जो है ई यहाँ पे पंच करना है। एंड आप लोगों को जो है जो रिकवरी सीड फ्रेज है उनके शुरू के 4 अक्षर ही यहाँ पे इस प्लेट पे पंच करने हैं। जो पहला वर्ड था एक्सरसाइज, उसका पहला अक्षर था ई, तो यहाँ पे मैं ई के सामने पंच करूँगा तो आवाज़ आएगी आपको कुछ इस तरीके से, ये आपने साउंड सुनाना, तो ऐसे ही करके अब एक्स है दूसरा वर्ड, तो हम एक्स पे करेंगे तो यहाँ पे भी आवाज़ आएगी, आपको थोड़ा ज़ोर से इसको प्रेस करना होता है तो आवाज़ आती है। ऐसे ही करके आप जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आप उनको इसमें जो है पंच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने जैसे ही पंच किया तो ये थोड़ा सा साइन यहाँ पे आ गया, एक होल सा हो गया छोटा सा। ऐसे ही करके बाकी के ये जो वर्ड्स हैं, लाइक दूसरा आपका वर्ड है कैप्टन, तो यहाँ पर ये दूसरा जो 2 लिखा हुआ है उसके नीचे 4 बॉक्स हैं, तो आपको जो है इन बॉक्स के सामने जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनको जो है इस ऑटोमेटिक पंचर की हेल्प से पंच करते जाना है।
देन बाकी के जो भी आपके वर्ड्स हैं आप उनको इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सारे वर्ड्स को एक एक करके पंच कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि आप कुछ मिस्टेक इसमें ना करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आपका काम हो जाता है तो आप दोनों प्लेट को ऐसे करके जोड़ सकते हो और जो आपको स्क्रूज एंड नट बोल्ट्स दिए हैं आप उनकी हेल्प से इसको बाउंड कर सकते हो। तो एंड देन आप जहाँ भी इसको स्टोर करके रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो, जिसमें आपका जो पूरा काम है वो अभी हो चुका है, अब आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, गिव अवे में पार्ट लेना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। And open diamond cross will ever border that you please.